हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ चौड़े माथे के लिए हेयर स्टाइल। तो किस टाइप से बनाना है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जिसका भी थोड़ा फोरहेड बड़ा होता है उसको लेयर्स कट करा के रखने चाहिए। अगर आपका फोरहेड बहुत चौड़े में है तो आप सेंटर पार्टीशन करोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा और साइड पार्टीशन से भी अच्छा लगेगा। कितने हेयर स्टाइल हैं आपको वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि मैंने भी कोई डिसाइड नहीं किया है कि कितने हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी, उस पर भी जरूर जाइएगा। मैं अमेजिंग ब्लाउज की डिज़ाइन उस पर शेयर करते रहती हूँ। जो ब्लाउज मैंने पहना हुआ है इसकी भी वीडियोस पे अपलोड हो गई है, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और इंस्टा आई डी प्रीति तिवारी 24 है। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो मैं बीच सेंटर पार्टीशन से ही बता रही हूँ, बीच मांग से। तो बीच की मांग पहले निकाल लेनी है आप लोगों को। फ्रंट से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से छोड़ना है दोनों साइड से। अब जो आपने ये लेयर्स लिया है इसके बाद से भी थोड़ा सा हेयर लेना है इस तरीके से। अच्छे से कॉम करना है एंड इसको ट्विस्ट कर देना है। सारे बालों को एक साथ ही ट्विस्ट करना है। कई बार मैं बताती हूँ थोड़े थोड़े हेयर्स लेके ट्विस्ट करने के लिए, लेकिन सारे बाल एक साथ ट्विस्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। फिर इसको हल्का सा खींचना है जिससे कि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे एंड आपका हेयर थोड़ा सा पफी लुक आ जाए। बैक में ले जाके साइड में आप इसको क्लिप से, बॉबी क्लिप से सेट कर लो। जो भी क्लिप हो आपके पास आप उससे सेट कर सकते हो। फिर इसको जो आपका लेयर्स आपने निकाले हुए हैं इनको फ्लैट कॉम करते हुए फोरहेड पे इस तरीके से आए और आप बैक में ले जाके सिंपली क्लिप से सेट कर दो, या फिर ऐसे ही पीछे। अगर छोटे लेयर्स हैं तो ईयर के पीछे छोड़ दो, या फिर बड़े हैं तो आप क्लिप के साथ इसको सेट कर लो। ओके, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। ओके, कॉम करना है, ऊपर लाके इस तरीके से ट्विस्ट करना है, क्योंकि आप नीचे से ट्विस्टिंग करोगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा। ओके, अब हल्का सा इसको खींचना है जैसे हमने पहले खींचा था। हल्का सा ऊपर की तरफ इसको पुश करते हुए बैक में ले जाके क्लिप से सेट कर देना है। अगेन जो आपका लेयर है उसको फ्लैट फॉर्म करते हुए इस तरीके से। मैं चश्मा निकाल देती हूँ। यहाँ से ऐसे पकड़ के और बैक में ले जाके इसको भी क्लिप से सेट कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो कोई लो बन बना सकते हो, या फिर चाहो तो ओपन भी रख सकते हो अपने हेयर्स को, आपकी चॉइस है। बहुत छोटे बाल हैं जैसे मीडियम लेंथ हेयर हैं, छोटे बाल हैं तो आप ओपन रख लेना। अगर मीडियम लेंथ हेयर हैं तो आप इसको बन बना सकते हो। और बन बनाते टाइम जैसे आपने इस तरीके से पोनी बना ली है तो यहाँ पे थोड़ा सा खींचना जरूर, जिससे कि आपके आपका जो हेयर है वो बिल्कुल फ्लैट लुक ना आए। या फिर बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ओपन ही छोड़ दे रही हूँ और इस तरीके का लुक आपका आएगा। और आप चाहो तो इसको लेयर्स भी, जैसे बहुत ज़्यादा छोटे लेयर्स हैं तो आप इसको निकाल के छोड़ सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। तो बिग फॉरहेड के लिए आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल के साथ। इसके साथ आप इयररिंग्स, बड़ी इयररिंग्स या फिर झुमके बालियाँ जो भी चाहे वो ट्राई कर सकते हो। बैक में थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए आप इस तरीके से करके क्लिप लगा सकते हो बैक साइड में। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल मैं साइड पार्टीशन से करूँगी। साइड पार्टीशन निकाल लेनी है, फ्रंट से हेयर को छोड़ना है। अगर बैग बिग फोरहेड है, बड़ा फोरहेड है तो आपको ये लेयर्स निकालने ही निकालने हैं, जिससे कि आपका फोरहेड हाइड हो पाए, जिससे आपका फेस को फ्रेम मिल पाए और अच्छा लुक दिखे।
अब यहाँ से आपको थोड़ा सा लेयर लेना है बालों का। लेयर्स को 3 लेयर में डिवाइड करना है। देन ब्राइड बनानी है, फ्रेंच ब्राइड। थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लेके इसके साथ मिक्स करते जाना है। पूरा ईयर तक आपको ऐसे ही बनाना है। कल मैंने शेयर किया था हेयर जेल की मदद से 2 बहुत ही सुंदर से लो बन हेयर स्टाइल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आके चेकआउट कर लेना। और हेयर स्टाइल टूल्स की मदद से बहुत सारे हेयर स्टाइल मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब इसको बाकी को इस तरीके से सिंपल ब्राइड बना लेना है। इस तरीके से बनाने के बाद से एक रबर बैंड ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींचना है, जिससे कि आपका जो ब्रेड है वो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे। ओके, बैक साइड में लेके जाना है इसको। क्लिप की मदद से हेयर को हटाते हुए सेट कर देना है। ऊपर से हेयर को ला देना ताकि आपकी क्लिप दिखे ना। एंड यहाँ पे जो आपका रबड़ बैंड है उसको रिमूव कर लेना है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है, जो कि बिग फोरहेड पे काफ़ी अच्छा लगेगा और स्टाइलिश दिखता है। साइड से आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, या फिर ईयर के पीछे सिंपली हेयर को रख के बड़ी बड़ी बालियाँ या झुमके पहन लीजिएगा, जिससे कि आपके हेयर का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इधर से सारे हेयर ईयर के पीछे करते हो तो यहाँ से लेयर्स ज़रूर लीजिएगा लंबा वाला। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, जो कि पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर है। छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके से ओपन रख सकते हो। अगर आपके हेयर लंबे हैं तो सारे बालों को एक साइड में लाके यहाँ पे पोनी बनाओ, या फिर ब्राइड बना लो, या फिर सिंपल बन बना सकते हो, जिससे कि आपके हेयर स्टाइल को और भी अच्छा लुक मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में मैं पफ बनाऊंगी। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप डायरेक्टली पफ ऐसे नहीं बना सकते हो, जिससे कि आपका फोरहेड और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। उसके लिए आपको लेयर्स निकालने हैं। जितना ज़्यादा लेयर्स आपके फोरहेड को हाइड कर पाए, अगर आपके बैंग्स कटे हुए हैं तो वो और भी प्यारा लगेगा। मैं सिर्फ फ्रंट हेयर स्टाइल यहाँ पे बता रही हूँ बिग फोरहेड्स के लिए। बैक के लिए भी बहुत सारी हेयर स्टाइल अपलोड की हुई हैं, तो आप चेकआउट कर लेना। लेयर्स निकालने के बाद से, या फिर बैंग्स कटे हैं तो आप बैंग्स अपना निकाल के उसके बाद पफ बनाओगे, तो आपका फोरहेड जो है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। आजकल बहुत बड़ा पफ नहीं चल रहा है, इतना बहुत है।
ये तीसरा हेयर स्टाइल है जो कि चौड़े माथे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए ये तीन हेयर स्टाइल थे जो कि बिग फॉरहेड के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको आपके आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जिसका फॉरहेड बहुत बड़ा है या फिर आपका है, तो आप ट्राई कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन लोग को हेल्प मिल पाए। और आप लोग वीडियो देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।